साथ जहां शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर जंग जारी है। कांग्रेस ने अभी अंतिम सूची जारी की है, बची हुई 8 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की मंजूरी के बाद ये अंतिम सूची कांग्रेस ने जारी की है। वहीं आज नामांकन की भी आखिरी तारीख है और उससे पहले कांग्रेस ने अपनी अंतिम सूची जारी कर दी है, जिसमें 8 प्रत्याशियों के नाम है। 8 वार्डों पर प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। राजीव शुक्ला प्रदेश प्रभारी हैं, उनकी मंजूरी के बाद ये अंतिम सूची जारी की गई है। और शिमला नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं, 2 मई को इसको लेकर मतदान होना है, 4 मई को नतीजे आएंगे। उससे पहले नामांकन का सिलसिला जारी है। कल देर शाम कांग्रेस ने अपनी ये सूची जारी की, अंतिम सूची है, इसमें 8 वार्डों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। वहीं आज नामांकन का भी आखिरी दिन है, बीते कल भी लगभग 15 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा था और आज ऐसा माना जा रहा है कि जिन प्रत्याशियों को चयनित किया गया है वो सभी प्रत्याशी आज अपना नामांकन भरने वाले हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, कड़ी मशक्कत के बाद, राजीव शुक्ला की अनुमति के बाद ये अंतिम सूची कांग्रेस ने जारी की है। इसके अलावा आज नामांकन का भी आखिरी दिन है, 3 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे, क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी इसको लेकर मिल पाई है राजेंद्र? जैस्मिन, पिछले कल की अगर हम बात करें तो कुल 22 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भरे, जिनमें से 13 प्रत्याशी भाजपा के थे और 4 कांग्रेस के थे और निर्दलीय प्रत्याशी थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से भी एक प्रत्याशी, कांगना धारबाड़ से जो संबंध रखते हैं जीवन, उन्होंने अपना नामांकन भरा था। तो आज हम कह सकते हैं कि पूरा जो भीड़ है आज प्रत्याशियों की यहां पर जुटने वाली है। लगभग कांग्रेस के 4 प्रत्याशियों की अगर छोड़ दें तो उसके बाद बचे हुए 30 प्रत्याशी आज सभी अपना नामांकन भरेंगे। आम आदमी पार्टी के तमाम प्रत्याशी, हालांकि 13 प्रत्याशियों की लिस्ट उन्होंने अभी तक जारी की है, दूसरी लिस्ट कल, क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि वो सभी 34 वार्डों में चुनाव लड़ेंगे, तो उनकी भी एक लिस्ट अभी आने को है और उम्मीद लगाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी से भी सभी प्रत्याशी आज नामांकन भरेंगे। इसके अलावा सीपीआईएम के 4 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है, उनसे भी उम्मीद है कि वो कुछ और प्रत्याशियों के नाम भी आज घोषित कर सकते हैं और नामांकन आज भर सकते हैं। तो आज अच्छी खासी हम कह सकते हैं रौनक, यहाँ मेरे पीछे ये डीसी ऑफिस का गेट है, यही नामांकन दर्ज किए जाएंगे और अच्छी खासी भीड़ 11 बजे से यहाँ जुटना शुरू हो जाएगी, 3 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे। और कल भी जैसा हमने देखा, बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पहुँचे थे। भाजपा की तरफ से अगर बात करें तो खुद पूर्व मंत्री और शिमला शहर से जो विधानसभा का चुनाव लड़ते थे, हालांकि इस बार उनका टिकट शिफ्ट कर दिया गया था, सुरेश भारद्वाज, वो लीड कर रहे थे पूरे जो नामांकन की प्रोसेस को, और उनके साथ शिमला जिला से एकमात्र भाजपा के विधायक बलबीर वर्मा वो साथ में मौजूद थे। इसके अलावा भाजपा ने प्रवासी प्रभारियों के रूप में जिम्मेदारियां सौंपी है एमएलए और जो विधानसभा में प्रत्याशी भाजपा की तरफ से रहे हैं उनको, तो हर अपने प्रत्याशी के साथ वो प्रवासी प्रभारी भी थे, चाहे वो भाजपा के विधायक अगर हम कहें पूरे प्रदेश में वो साथ में मौजूद रहे, और जहां विधायक नहीं थे वहां पर प्रत्याशी जो भाजपा के रहे हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा शिमला जिले का पूरा भाजपा का कुनबा यहां पहुंचा था। कांग्रेस की तरफ से बात करें तो 4 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं, हालांकि उनके साथ बड़े लीडर नहीं थे, लेकिन जब शाम को यहां पर छोटा शिमला से उम्मीदवार सुरेंद्र चौहान पहुंचे, वो देरी के कारण पहुंचे जिसके कारण उनका नामांकन नहीं लिया गया और आज उनको वापस नामांकन के लिए कहा गया है। तो उनके साथ अच्छी खासी भीड़ थी और आज ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कांग्रेस के भी बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि कांग्रेस के 5 जो तस्वीर हमें कल देखने को मिली थी, जगह जगह शक्ति प्रदर्शन किए जा रहे थे, भाजपा और कांग्रेस के तमाम चेहरे वहां नजर आए। और आज भी हम ये कह सकते हैं कि नामांकन भरने का आखिरी दिन है, आज भी ढोल नगाड़ों के साथ और शक्ति प्रदर्शन के जरिए नामांकन भरने कई प्रत्याशी पहुंचने वाले हैं। राजेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया, लेकिन लगातार आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पर आपसे हम चर्चा करेंगे।